सुप्रीम कोर्ट रे कोटिया प्रसंग रे आज शुणा शेष होती तेज कौन शुणा होती से नहीं अधिक आलोचना करवा आम सहित लीगल टीम मेंबर निरंजन साहू अच्छा सीधा साल सहित आलोचना करवा। निरंजन जी, आज का हियरिंग क्या हुआ है और कोर्ट ने क्या बोला? आज की हियरिंग में आंध्र साइड से ये रिक्वेस्ट किया गया था कि नाउ दैट ये लोग हम दोनों साइड जो हैं दोनों पक्ष अपने पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालने के लिए बातचीत कर रहे हैं, तो इसको जो कंटेंट पिटीशन जो हमने फाइल करी हुई है उसको डिस्पोज ऑफ कर दें, उसको ख़त्म कर दें। तो जिसको हमने कंटेस्ट किया, कंटेस्ट करने पे हमने उनको बताया कि अभी जो पॉलिटिकल सोल्यूशन निकल रहा है वो अगर निकलता है तो ठीक है, और अगर नहीं निकलता है तो कोर्ट को इस पर इंटरवीन करना पड़ेगा। कोर्ट ने हमारी बात मानी, कोर्ट ने बोला है कि भाई इसको हम कंटेंट पिटीशन को डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे हैं, लेट अस डिफर द हियरिंग और यू बोथ द साइड्स शुड फाइंड आउट अ सोल्यूशन विद इन अ मंथ, देयर आफ्टर इफ इन केस नो अग्रीमेंट इज रीच्ड देन द कोर्ट विल टेक इन टू कंसिडरेशन वेदर दे हैव वायलेटेड द ऑलरेडी पॉलिटिकल सोल्यूशन के लिए कमिटी फॉर्मेशन हो चुका है, तो इसलिए आंध्र क्या चाहता था कंटेंट ऑफ कोर्ट मैटर को डिस्पोज ऑफ करने के लिए? वी शुड नॉट कमेंट लाइक दैट बिकॉज वी आर हैविंग अ डिस्कशन विद दैम, सो द डिस्कशन शुड टेक प्लेस इन अ वेरी कंड्यूसिव एंड वेरी पीसफुल इन्वायरमेंट, देर शुड नॉट बी एनी हॉस्टिलिटी इन दैट, कीपिंग दैट दैट एस्पेक्ट इन व्यू आई डोंट थिंक आई शुड कमेंट ऑन दैट एंड वी शुड नॉट ऑल्सो कमेंट कि वो क्या कर रहे थे नहीं चाह रहे थे। उन्होंने अपनी तरफ से डिस्पोज ऑफ कराने की कोशिश करी, हमने उसको मना किया, कोर्ट ने हमारी बात मानी। गवर्नमेंट का और स्टैंड क्या था? हम तो यही कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सोल्यूशन हम निकाल ही रहे हैं एंड वी शुड गिव, देखिए सीधे लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, अगर पॉलिटिकल सोल्यूशन निकल रहा है तो अच्छी बात है, वाई वी शुड पुट आर सेल्व इन अ सिचुएशन वेयर वी हैव टू फाइट बिकॉज बोथ आर नेबरिंग स्टेट्स। आई डोंट थिंक पॉलिटिकल सोल्यूशन वुड बी द बेस्ट थिंग पॉसिबल। तो अगला हियरिंग कब है? फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2020। तो ये फर्स्ट वीक तक अभी टाइम जो मिला है उसमें पॉलिटिकल सोल्यूशन की बात की जाएगी आगे? वो लोग कर ही रहे होंगे, मतलब आप लोग मान के चलिए कि जो कमेटी बनाई है कमेटी कुछ ना कुछ काम कर ही रही है। अब ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में तो आगे डिस्कस नहीं होंगी, तो जब सारी चीज़ें जो कर रहे हैं ये लोग उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, दे आर वर्किंग इट। इफ चीफ मिनिस्टर ऑफिस इज इन्वॉल्व, बोथ द ऑफिस ऑफ द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा एज वेल एज ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, इफ दीज ऑफिस आर इन्वॉल्व दैट मीन्स दिस हैज बीन टेकन एट द हाईएस्ट प्रायोरिटी। थैंक यू। पूर्व शुणाणी में मान्यवर कोर्ट कही पॉलिटिकल सोल्यूशन बाहर करने पुणी थे मान्यवर कोर्ट ताकू ही बरकरार रखिंट कहीं आगामी शुणाणी जो हम से पर्यटन गोटे टाइम मिली पॉलिटिकल सोल्यूशन बाहर करने ऑलरेडी ये प्रसंग में कमिटी फर्मेसन होती तेज कमिटर किभली ढंग से बैठक होती आंध्र कौन स्टाण रखुच्छी ओडिशा गवर्नमेंट किभली भाव निजर पक्ष रखुच्छी कमिटी मीटिंग बर्तमान सीधा साल सुप्रीमकोर्ट पर कमिटी बैठक उपर रही तेज आगामी शुणाणी पर्यंत पॉलिटिकल सोल्यूशन बाहर ना पुणी थे आगामी शुणाणी में आउ गोटे जो कंटेंट कोर्ट अच्छी आईन अदालत मामला अच्छी तार शुणाणी होती तापर निश्चित भाव राज्यवासी नजर रही। नुआ दिल्ली कैमरा पर्सन आदित्य सहित गगन अर्गस न्यूज।